अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ़ मामलात पर गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से बात करते हैं, सियासी मामलात हों, मौशी मामलात हों या आपके सेहत के हवाले से मसाइल हों, कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उनको ऐसे बहस लाया जाए। आज भी मौजू गुफ्तगू ऐसा ही है, सेहत के हवाले से प्रोग्राम में बात की जाएगी और उससे पहले कोशिश ये होगी कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से बात कर ली जाए। मौसिस मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, बिला ताखीर उन्हें मैं खुश आमदेद कहूँगा क्योंकि आज प्रोग्राम थोड़ा सा ताखीर से शुरू हुआ, इस वजह से वक्त हमारे पास महदूद है, तो कोशिश करेंगे इस मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मामलों के ऊपर गुफ्तगू की जा सके। सबसे पहले जो हमारे मौसिस मेहमान हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं और हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर आप उनको देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नईम अमान साहब की, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नईम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं, आप हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उन्हें भी देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। इरफान भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। नईम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ पहले तो मसाइल के हवाले से थोड़ी सी बात हो रही थी और एजुकेशन के हवाले से कुछ देर पहले जैसे मौजूद ज़ेर बहस था, वो तालीमी सिलसिला एक बड़ी देर के बाद शुरू हुआ लेकिन उसके अंदर इतने सारी खामियां हैं कि अभी भी वो नीचे खबर चल रही है कि जनाब पर्चे जो है वो लीक हो रहे हैं, इंतज़ाम ठीक नहीं है, आपकी तैयारी कोई पहले से थी नहीं, ये उजलत में पर्चे लेना और फिर उसके बाद ये सारी सूरत हाल, इसके बारे में पहले से बताया जा रहा था, ये कैसा तालीमी निज़ाम है? सवाल ये है, लोग ये जानना चाहते हैं कि सिंध हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है, क्या काम हो रहा है इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये है कि पहले लाजमी सी बात है, ख़ुद मुख्तियारी सूबा ख़ुद मुख्तियार है, 18वीं तरमीम के बाद जो फैसले पहले यहाँ से हुकूमत करती थी, यहाँ पर जो फैसले हुआ करते थे, ख़ासतौर पर करोना जैसे एक वबा के अंदर जो पैनिक फैला पूरी दुनिया के अंदर जो हालात बने, तो उसमें आप फैसले जो है वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके उनकी छुट्टियाँ हों या उनके दीगर मामला हो, तो वो NCOC फैसले करती है। तो NCOC के फैसले थे कि आप एग्ज़ाम जो है वो फ़ौरन कंटेस्ट करा लें और हालात जो आपके सामने बने, सिर्फ पाकिस्तान से बस सिंध के अंदर ये इशू नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये मसाइल हैं और इन मसाइल्स को जो है वो लोग जो है वो हुकूमत वफ़ जो है वो हैंडल करती है। तो इस वक्त जो चीज़ें हाईलाइट हुई हैं उसके ऊपर एक कल चीज़ें आई हैं जो हमारे वज़ीर हैं, वज़ीर तालीम सईद गनी भाई के पास, और उसके ऊपर एक कमेटी भी बना दी गई है, उसके ऊपर जहाँ जहाँ से चीज़ें जो हुई शिकायत हुई हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला कमेटी जो है वो हो सकता है कि आज हाँ उसका अजाला करेगी और जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह ताला अपनी जगह पे दोबारा हो जाएगी। जी इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब फरमाइए, मुतमईन है क्योंकि इंतजाम के हवाले से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ख़ासतौर पर अपोजिशन जमात सिंध के अंदर वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रही है, फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपने बुलाया। यासिर भाई, ये तो एक चीज़ चल रही थी 18वीं तरमीम के बाद, जिस तरह इंटीरियर सिंध में तालीम का हाल था, मैं बड़े अफसोस से कहूँगा कि वो यही लोग अब कराची में भी उसको लेके आ गए। कराची में एक बड़ा अच्छा सिस्टम होता था पढ़ाई का, चीटिंग इतनी नहीं होती थी जो सिंध में होती थी। यहाँ तो अब मैं बिल्कुल हैरान हुआ हूँ कि जिस तरह पहला कल पेपर मैट्रिक का हुआ, कहीं 12 बजे हो रहा है, कहीं 11 बजे हो रहा है, कहीं 10 बजे हो रहा है, यानी कि टाइम की पाबंदी भी नहीं हुई। तो ये फेलियर है बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट का, उन्होंने बिल्कुल बच्चों को ऐसे ऐसे छोड़ दिया है कि बस डिग्री लो और आगे जाके आपको हम धक्का देंगे, और जैसे पायलट बना दिए और किसी को क्या बना दिया, कहीं कहीं फिट कर दिया। यहाँ तो सिफारिश कल्चर चलता है। इसके बरस अगर आप पंजाब में देख लें या KPK में देख लें, वहाँ तालीम पे ठीक है, मतलब पढ़ाई वहाँ भी नहीं हुई, सिचुएशन नहीं है, लेकिन इसके बरक्स वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको फिक्र है कि हमारी वहाँ चीटिंग में कराची वो अच्छा, बच्चे कंप्लेन भी करते हैं कि कराची के बच्चे क्यों इतना चीटिंग हो रही है, हम तो इस वजह से वो आगे निकल गए पढ़ाई में, पंजाब बहुत आगे निकल गया पढ़ाई में, KPK बहुत आगे निकल गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमें बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि बाकी मामलों में तो जैसे तैसे सिंध का बेड़ा गर्क किया इन्होंने, तालीम भी अब आ गए। पिछले साल जो NTS हुआ उसका हाल आपके सामने है, बच्चे पढ़ने वाले कोरोना की वजह से इस वक्त बड़ी गैरमामूली सूरत हाल थी और उसके लिए ये तैयार नहीं थे क्योंकि NCOC का ये फैसला था पहले कि इसको जो मौखर किया जाए
और उसके बाद जो है वो बड़े शॉर्ट नोटिस में तैयारी की बात ही नहीं है। सिर्फ दो पेपर मैट्रिक में ले रहे हैं जी, दो पेपर की तैयारी नहीं कर पा करके दे पा रहे ये लोग। ये इनके बाद क्या लोग नहीं है या ये चाहते हैं कि कराची भी की तालीम भी सिंध की तरह तबाह हो जाए, कराची के लोग तबाह हो जाए। पहले तो उन्होंने जो कोटा सिस्टम है सारा किया हुआ है, अब तक 10 साल के लिए कोटा सिस्टम बुट्टल साहब ने लगाया था और वो चलता 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 ही आ रहे हैं वो, और बच्चों का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि इनका बिल्कुल फेलियर है। जिस तरह कोविड में मतलब जैसे पिछले साल राशन बांटने में और इन्होंने जो मतलब हाल किया रात के अंधेरों में अरबों रुपए के राशन बांट दिए, इसी तरह रेबीज की जो दवाइयां आई वो खा पी गए, वो एनजीओ से सामने आ गई कि भाई 92 करोड़ रुपए तो हमने दी, उनका तो हिसाब दे दो, आप चीज किस चीज का क्रेडिट ले रहे हो। बसेज हैं, लोग अपनी प्राइवेट बस चला रहे हैं, ये अपना वहां फीता काटने पहुंच जाते हैं। तो ये चीजें अब लोगों को शऊर आ चुका है और ये बहुत मैं कहता हूँ नामुनासिब चीज हो गई। बच्चों के साथ बहुत बुरा, बच्चों के साथ नाइंसाफी हो गई, सेहत तालीम सभी एक्सपोज कर दिया। तनकीद बरा तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बरा इस्लाम होनी चाहिए। मैंने बताया कि फैसले एनसीओसी कर रही है, पहले तो ये निगाह दौड़ाएं इस पर इस्लामाबाद की तरफ जहाँ ये फैसले कर रहे हैं, जहाँ फैसले हो रहे हैं। और जिस एजुकेशन सिस्टम की बात करें सिंध में, सिंध के अंदर वाइस सूबा सिंध है जहाँ आपको सेटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो टेक्नोलॉजी और ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज यहाँ मौजूद हैं। लोग माइग्रेट करके यहाँ पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए सुबह सिंध की तरफ आते हैं। ऐसा नहीं है कि 24-24 हज़ार गोश्त जो है मुलाजमीन जो है वो केपीके से निकल कर आ जाएँ और 18-18 मुलाजमीन जो है वो पंजाब से निकल कर आ जाएँ। सूरत हाल इस वक्त पंजाब की भी अच्छी नहीं है, वहाँ भी एग्जाम कंटेस्ट हो रहा है, वहाँ भी एग्जाम हो रहे हैं और वहाँ भी सूरत हाल ऐसी ही है, कुछ पेपर आउट हो रहा है तो कभी कुछ आउट हो रहा है, कुछ फोटोकॉपी की दुकानों पर वहाँ पेपर जो है वो मिल रहे हैं। तो बेहतर है कि तनकीद बराए इसलाह की हम बात करें और बेहतर यही है, एक कोरोना है हमें इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब उस सारे निज़ाम के अंदर सारे चीज़ों के अंदर अगर कोई फेलियर कहीं पर कुछ चीज़ होती है तो हम उसको बेहतर है कि हम उसको ठीक करने की तरफ चले जाएं। तो एक निज़ाम एजुकेशन का, एक बेहतर निज़ाम जो सूबह सिंध का निज़ाम है बनिस्बत बाकी सूबों के, वो मजीद इम्प्रूवमेंट की तरफ है और माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट की तरफ जा भी रहा था। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के ऊपर सूबह सिंध वाइस सूबह सिंध है जहाँ हेल्थ का सबसे बेहतरीन निज़ाम है। एक बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिसके ऊपर ये आगे हमले करते हैं, या हमारे जिना अस्पताल है, हमारे कार्डियो अस्पताल है, NICVD है, ये कहते हैं हमारे कंट्रोल में कर लें, कभी ना जजीरों को कंट्रोल करते हैं, कभी अस्पतालों को कंट्रोल करते हैं, कभी PI को कंट्रोल करते हैं, कभी स्टील मिल को बेरोजगार करते हैं। बात ये है कि साजिशें बंद होनी चाहिए, यहाँ बैठ के बातें तो बड़ी बड़ी कर सकते हैं कि 11 बजे पेपर स्टार्ट होना था, 12 बजे स्टार्ट हो गया, किसका दिल करता है कि ऐसा हो? कभी भी कोई नहीं चाहेगा, हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि इस किस्म का कोई क्राइटेरिया तय हो जिसके ऊपर बात यह कि लोग हंसे। तो एक चीज अब लाजमी सी बात है, NCOC के फैसले, NCOC जो फैसले कर रहा है उनको समझ ही नहीं आ पा रही है करें क्या। अब होता यह है कि हेल्थ के इश्यूज हैं, हमने जब कोरोना जैसी वबा जब हमारे कंट्रोल में थे ना चीजें, जब हम फैसले कर रहे थे तो हम माहरीन से फैसले ले रहे थे, हम डॉक्टर से ले रहे थे, हम मेरा मेडिकल जो अमला है उनसे हम पूछते थे कि हमें क्या करना चाहिए। अब फैसले कौन कर रहा है? स्पोर्ट का मिनिस्टर कौन कर रहा है? एग्रीकल्चर का मिनिस्टर कौन कर रहा है? फाइनेंस का मिनिस्टर कौन कर रहा है? अब ये जब फैसले करेंगे तो निज़ाम, आप एजुकेशन की बात करें पूरा निज़ाम इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। फिर बात सिर्फ बात ये कि एजुकेशन पे कर रहे हैं, बात यहाँ सूरत हाल यहाँ ये बनी हुई है कि बेरोजगारी आप देखें कहाँ किस तरफ चली गई है, महंगाई आप देखें कहाँ से कहाँ लेकर ये चले गए। इंसाफ हम तरीके इंसाफ इंसाफ लेकर आएंगे, ऐसा इंसाफ यहाँ लेकर आए, ऐसा अंधा कानून इस मुल्क के अंदर लेकर आए। कभी जो है वो ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं, कभी दिन दिहाड़े इस्लामाबाद में जो है वो समीउल हक को मार देते हैं, मौलाना समीउल हक को, दिन दिहाड़े जो है वो SSP ताहिर दावड़ को उठाते हैं अफगानिस्तान से, उसकी डेड बॉडी मिलती है, कभी जो है वो बच्चों के सामने क्या कुछ होता है। तो ये इंसाफ के दावेदार जो बड़ी बड़ी बैठ के बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो बेहतर है कि मेरा ख्याल है हम तनकीद पर तनकीद नहीं करें, तनकीद पर इस्लाह चाहिए। नहीं सर फरमाइए, उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही कर दी कि कोरोना की वजह से सब मुतासर हुए और सारी जिम्मेदारी NCOC के ऊपर डाल दी गई कि NCOC और वफाक खास तौर पर जो मामला बशमूल सेहत के मामला जिसमें अभी चंद बड़े अस्पतालों का नाम लिया, क्योंकि इनके जो है वो मामला के अंदर दखल अंदाजी दे रही है, इस वजह से जो नुकसान हुआ ये वजह। कोई दखल अंदाजी नहीं हो रही, देखें पाकिस्तान प्रोग्रेस की तरफ चल पड़ा है, नया पाकिस्तान है ये ईरानी सर्कस जो है ना, वो ईरानी सर्कस में ही लगे हुए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, लकी ईरानी सर्कस में लगे हुए हैं। पाकिस्तान बिल्कुल एक अपनी जो पैरों पर खड़ा हो चुका है इस वक्त, जो लूला लंगड़ा पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला। देखिए एक महंगाई का आंसर है, वो हम समझते हैं कि एक महंगाई का आंसर आ रहा है, लेकिन उसके बाकी चीज़ें जो बिल्कुल ठीक होती जा रही हैं। आप देखें पिछले 2013 में मेरे ख्याल में 12 या 13 में जरदारी साहब ने साइन किया था CPEC का, ये मानते हैं हर बंदा मानता है, रिकॉर्ड भी है एक चीज़ ना, डिनाई नहीं हो सकता।
2013 से 12 या 13 से 18 तक जितना काम हुआ आपके सामने है, या अब 18 से आज तक वहाँ पर जितना काम हुआ, मैं कहता हूँ कि पहले फेज में उनका जो 60 एकड़ पे जो काम हुआ है उसमें 12 बड़े बड़े इंटरप्राइजेस आ चुके हैं, 3 फैक्ट्रीज लग चुकी हैं वहाँ पे, 46 इन्वेस्टर आ चुके हैं वहाँ पे, सेकेंड फेज का इमरान खान ने इफ्तिताह कर दिया, जिस तेज़ी से वहाँ काम हो रहा है आपके सामने है। इस तरह बाकी KPK में और पंजाब में जो हमने हेल्थ कार्ड दिया 10 लाख तक, तकरीबन 46 करोड़ रुपए अब तक वो लोग इस्तेमाल कर चुके हैं जो मुख्तलिफ उनके दवाइयों में, इलाज में और उसमें। इसी तरह आपकी एक्सपोर्ट देख लें, रिकॉर्ड अमेरिका की एक्सपोर्ट की गई, 41% इजाफा हुआ, लेकिन 5 अरब डॉलर की मतलब हमें हमारी एक्सपोर्ट हुई, एक रिकॉर्ड है। इसी तरह ऑटो इंडस्ट्री आप देख लें, उसमें तकरीबन 300 अरब रुपया की मतलब बैंकों ने मतलब उसको किया, लोगों ने फाइनेंसिंग हुई है लोगों के पास। देखिए लोग खुशहाल हो रहे हैं, जब कोविड आया पूरी दुनिया में हैरानगी आ गई कि क्या होगा, पाकिस्तान में हुआ, लेकिन हमारे इमरान खान ने जो फैसला किया कि फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, क्योंकि उसने उसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, उसमें क्या हुआ कि गरीब लोगों को मजदूरी मिलने लग गई, ठेकेदारों को मिलने लग गई, लोग घर बनाने लग गए, सीमेंट ना सीमेंट की मतलब एक्सपोर्ट मतलब जो पैदावार हुई रिकॉर्ड पैदावार हुई, सरिये की रिकॉर्ड पैदावार हुई, ये चीजें ये साइन है पाकिस्तान एक इंशाल्लाह ताला की तरफ जा रहा है, असल में जी फैलाव आ रहा है मईशत के अंदर। ये शुक्र अल्लाह पाक का कि इन्होंने ये एग्री किया कि 2013 में असली जिम्मेदारियां सी पिक जैसा एक बड़ा तोहफा इस मुल्क को दिया, ये तो दिया पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दे दिया, एटम बम जो इस मुल्क को दे दिया, इन्होंने इस मुल्क को क्या दिया। जिस एक्सपोर्ट की बात करें पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट बंद है, इस कोरोना के अंदर पाकिस्तान एक्सपोर्ट खोल के बैठा हुआ है, तो लाजमी सी बात है ऊपर जानी ही एक्सपोर्ट तो फायदा होना है ना उनका, सेल कार्ड की मतलब बंद कर दें, बात ये है इनका मतलब एक्सपोर्ट भी बंद कर दें। दूसरी दूसरा ये कि जिस कार्ड की बात करें हेल्थ कार्ड की, वो इनका मंसूबा नहीं, इनके मंसूबे जो इस मुल्क को दिए हैं लंगर खाने, इस मुल्क को जैतून के तेल से ये जो है वो इकोनॉमी ठीक करेंगे, भंग के जो है वो इस मुल्क को भंग काश करेगा, मुल्क तरक्की करेगा, इस मुल्क को जो है वो अंडे मुर्गियां कटे, इसके अलावा ये मंसूबे को मंसूबा नहीं दिया इमरान खान ने 3 सालों के अंदर, जिन सीपैक पे जाके ये अभी इमरान खान साहब जाके वो फीते काट रहे हैं, ये मंसूबे वो हैं जो तयशुदा है, ये क्राइटेरिया 2025 तक का तय है, इस पर जाकर वो फीते काट काट कर इन्होंने दिया क्या इस मुल्क को। बात बात कर रहे हैं कि जी हम इस तरफ जा रहे हैं, हम पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इनको जब पाकिस्तान मिला था ना वो पाकिस्तान था अमन व अमान का पाकिस्तान, अमन व अमान बलूचिस्तान का अमन व अमान हमें नहीं मिला था जब हमें हुकूमत मिली थी, हमें कराची का अमन व अमान नहीं मिला था, हमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अमन व अमान नहीं मिला था, अहले तशियों को उतार के ना ज़िबा किया जाता था, वो पाकिस्तान हमें मिला था, शुक्र इनको नहीं मिला, अगर इनको मिलता ना सर तो इनके साथ जो कुछ होता, रेलवे ना ट्रेनें टाइम पर नहीं आती, 18-18 लेट आती थी, हमें जो पाकिस्तान मिला था बिजली 18-18 20-20 घंटे लाइट नहीं होती थी जो हमें पाकिस्तान मिला था, इस सब चीज़ इनको ठीक मिली थी। आज रेलवे का निज़ाम देखें, आज बेड़ा गरक इन्होंने करके दे दिया, आज सीपैक की जिस सीपैक की अभी निशानदेही कर रहे हैं जी हम दौड़ा रहे हैं भगा रहे हैं, जो मनसूबा हमने साइन करके दिया था ना सीपैक के अंदर, सबसे पहले उसके अंदर हम लोग अमान था, तहफ़ था, चाइना ये चाहता था कि हमें तहफ़ मिलेगा, हमारी जानों को तहफ़ मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, आज जाके देखें तगारियां बेलचे वो उठा के ट्रालियां भाग रहे हैं वहां से, जो सूरत हाल बलूचिस्तान की अभी इस वक्त बनी हुई है और आप खुद देख रहे हैं पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है जो तमाशा इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो लगाया हुआ है इस टाइम पर। तो बात यह कि अमनो अमान वाला पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान इनको दिया था। आज बिजली की सूरत हाल ये है कि गैस हम सर्दियों में देखते थे जाता है, इस दफा गर्मियों में गैस गया है, इस दफा नहीं पिछले साल भी गर्मियों में गैस इन्होंने बंद किया है। पानी की सूरत हाल ये है कि मंसूबा जो हमारे इनके साथ एग्रीमेंट है वफाक के साथ कि हमें मायदे के तहत पानी दो, पानी नहीं देते, मायदे के तहत हमें गैस दो, गैस नहीं देते, मायदे के तहत बिजली दो, हमें बिजली नहीं देते। और ये बात यहाँ बैठ के ना, एक तो मसला ये है कि रात ना रात को तो रखे हुए 8 से लेकर 12 बजे तक, मेरे भाई जो बताते हैं कि साग का हुकूमत ने चोरी की, और कमाल में आपको बताऊँ ट्रेन का डब्बा नया है, बोगियां सारी पुरानी है, और ये फिर बातें आप बात करें पानी की, पानी की मैं एक छोटी सी पानी की बात की ना, इनके अपने मिनिस्टर ने अब सिंध असेंबली में कह दिया कि पानी का कोई इशू नहीं है, हमारे वडेरे खा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है वो, तो रिकॉर्ड भी है भाई, आपकी के लोग आप इल्जाम लिया, हमारे पे आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन आखिर में इन्होंने ट्रेन की निशानदेही की है, अभी बड़ी अफसोसनाक बात है और बड़ी तकलीफ। अच्छा ट्रेन की बात कर रहे हैं, ट्रेन का भी इशू कहाँ पे आ रहा है, जितने भी हादसे हुए वो सिंध के अंदर हुए, इनकी अपनी तकरीब कारियां हैं इनकी वहाँ पे। अच्छा बिल्कुल, तो अभी ये बहुत रिकॉर्ड पे है और इस पे कमेटी बन चुकी है कि सारे ही एक्सीडेंट या सारे मामला जितने भी हुए तो तहकीकात लाएंगे सामने, बिल्कुल लाएगी, आवाम में लाएगी, क्यों सिर्फ सिंध में ही क्यों होते हैं,
पटरियां वो टाइट करते हैं, दूसरे ढीली हुई पड़ी होती है। तो ये सारे चीज़ें सामने आ चुकी हैं, ये अब नया पाकिस्तान है इनके, असल में ये बातें ही रह गई हैं इनकी, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। वो 11 जमातें मिलके इमरान खान कुछ नहीं कर पा रहे, फिर आपस में उनकी फूट बढ़ गई, वो अपने इक्तदार के चक्कर में। अच्छा क्या कहते हैं जी, हम किसी सूरत में सेनेट का चेयरमैन नहीं बनने देंगे, सेनेट का चेयरमैन बन गया। हम जी किसी सूरत में बजट पास नहीं होने देंगे, हम ये हो जाएगा, बजट पास हो गया, इनके खुद ही लोग गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हैं, आवाम को पता चल चुका है। इंशाल्लाह ताला ये जिस तरह कराची में रिकॉर्ड काम हो रहा है, आप देखें ये गुजर नाले की सफाई बिल्कुल, उसकी दीवारें बनती जा रही हैं ये आज तक। अच्छा ये इसकी तरफ आता हूँ, ये बड़ा अहम मौजू है जिसकी अभी निशानदेही की गई है, खासतौर पर इंक्रोचमेंट के हवाले से अभी बड़ी इसके ऊपर बात हो रही है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से, मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए, नईम आवाद साहब, इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, दोनों मेहमानों से गुफ्तगू हो रही थी। वक्त हमारे पास क्योंकि महदूद है, आखिर में मैं चाहूँगा, जैसा भी बहुत सारे मसाइल की निशानदेही की गई है, ख़ास तौर पर सिंध असम्बली के अंदर जो मामला रहे हालिया दिनों में, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठे हैं, और जिस तरह का एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया या जो कुछ भी हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, लोग ये सवाल पूछने पर हक बजाने में कि अगर हुकूमत डिलीवर नहीं करेगी तो फिर अपोजिशन एहतजाज का हक रखती है, और अगर एहतजाज के लिए कोई तरीका अख्तियार किया जाएगा तो उसको अगर इस तरह काउंटर करने की कोशिश की जाएगी जैसे कुछ हुआ है तो फिर बड़ी नामनासिब सी बात होगी, मामला हल होते नज़र नहीं आ रहा है। मैं चाहूँगा इस पर आखिर में अगर कुछ कहना चाहें जरूर कहें। पहले तो क्योंकि एक इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि रेलवे के जो हादसा हैं वो उसको क्लियरिफाई कर दूँ, मैं आप इल्ज़ाम लगाऊँ आपने चोरी की, साबित मैंने करना, जस्टिफाई आपने नहीं करना है। रेलवे के चलो ये कहते हैं जी सिंध में सारे हो गए हादसा, ये जो जहाज उड़ा था इस्लामाबाद से आगे कराची में गिर गया, मेरा ख्याल है वो भी सिंध ने गिरा दिया था। फिर 90 साल का रिकॉर्ड जो बारिशों का टूटा था पिछले साल, वो भी सिंध वालों ने कहा कि अब आ जाएं बारिशें, 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दें। फिर टड्डी दल जो आया था, जब तक यहाँ सिंध के अंदर नुकसान किया, जब पंजाब पहुंचा तो उनको होश आया कि बात ये 7 महीने के अंदर हारी किसान डूब गया, बेड़ा गर्क हो गया उनका, तो वो भी मेरा ख्याल है फिर वो सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराया था। दूसरा ये कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली या सेनेट, इस वक्त जो लोग तरीके इंसाफ के लोग बैठे हुए हैं ना, कभी काउंसिलर का इलेक्शन नहीं लड़ा इन्होंने, इनको ले आया एम्पायर की उंगली, आज एम्पायर की उंगली की सूरत है ये पोजिशन इस वक्त बनी हुई है। जो अखलाकियात होते हैं ना कौमी असम्बली की, आप सूरत हाल देखें और वही रवैया इन्होंने सूबाई असम्बली के अंदर हैज़ा अपोजिशन या अपना स्टेक जिस तरीके से जमाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इनका एमपी था उसने वायलेशन की और वायलेशन का तरीका ये कि वो एसओपीज होती है जिस पर अमल करना होता है। अगर हमारा कोई एमपी वायलेशन करता तो हमें भी नोटिफाई कर किया जाता, उस वक्त तक इन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जस्टिफिकेशन नहीं देगा। इन्होंने बजाय जस्टिफिकेशन देने के वो एक पूरा ग्रुप अली मादल शेख का लोटा ग्रुप इकट्ठा किया और आगे दरवाजे पे आगे इन्होंने आगे पहले इत्तेजाज किया, फिर खुद ताला लगाया। ये भी मैं बता दूं, ताला भी खुद लगाया, फिर दरवाजों पे चढ़े। अब बाहर एमपी अकेले ये नहीं खड़े थे, एमपी हमारे भी बाहर खड़े थे, ये मैं कहूं कि बात ये कि इनके एमपी। तो इस तरीके का जो इन्होंने रवैया सिंध के साथ रखा हुआ है, कभी बात ये है कि स्कूलों में भैंसे डालते हैं फिर आगे वीडियो बनाते हैं फिर आगे बताते हैं ये सूरत तैयार है, तो मेरा ख्याल है ये गलत बात है। जी इरफान साहब अब आखिर में क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ी नामनासिब बात है जिन चीजों की अभी नहीं देखें। सिंध असेंबली में हुआ, मैं ذاتی तौर पर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ इस चीज का, मैंने अपनी तरफ अपना रिकॉर्ड भी मैंने उस पर किया कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, हमें बहुत शर्मिंदगी हुई ये हमारे जो हमने वहाँ भेजे हुए ذاتی तौर पर। बाकी रही बात उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या गवर्नमेंट की जो बातें कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बाहर दुनिया के लोग जो बैठे हुए हैं ना, देखें क्रिकेट मैच जो होता है ना अंदर खेलने वाला जो बाहर बैठा होता है उसको ज़्यादा पता चल रहा होता है। तो बाहर जो रशियन डिजिटल अकाउंट बनाया $1.5 अरब उन्हीं पाकिस्तानियों ने इस पाकिस्तान में भेजे अकाउंट के थ्रू, बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि नया पाकिस्तान बन रहा है और उनको पता है कि जो लीडर आया हुआ है वो मुल्क को निकालेगा इस बहरान से, करप्शन ज्यादा पाकिस्तान को बचाएगा, यही बात है ना। ये नया पाकिस्तान बनता जा रहा है और आप आगे दिनों में देखते चले जाएंगे बेहतरी की तरफ। ठीक है, करप्शन बढ़ गई है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया नहीं मामा, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त क्योंकि महदूद है लेकिन बहुत सारे मामला और इंशाल्लाह इसके ऊपर जरूर आगे जो है वो बात होगी। आप दोनों के मेहमानों का बहुत शुक्र गुजारूँ कि आपने कीमती वक्त अपना दिया और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए। लाजमी यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारे दूसरा सेगमेंट स्टार्ट होगा, वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।